अगर तुम्हारे वालदैन में से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाए, उन्हें कभी उफ तक न कहना, दिल न तोड़ना उनका, छाती चौड़ी करके बात न करना उनसे, कंधे झुका कर बात करना, अदब से गुफ्तगु करना। कुल लहुमा कौलन करीमा वक्फ़ लहुमा जनाह ज़ुल्ले मिनर रहमा, अपने कंधों को झुका कर रखना और फिर भी कहना, अल्लाह से दुआ करना, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे इन वालिदैन पर रहम फरमाई हो जैसे कि इन्होंने मुझे पाला था जबकि मैं छोटा सा था। तो खानदान के निजाम को मुस्तहकम करने के लिए तीन डायमेंशंस हैं, जैसे एक कमरा है, चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है। पहले तो शौहर और बीवी के दरमियान बॉन्ड ऑफ लव। अब ये शौहर और बीवी पेरेंट्स बन गए हैं, वालिदैन बन गए, औलाद आ गई। सेकंड डायमेंशन ऐड हो गई, अदब इज्जत। और बहन भाई है अखुवत, जिसको कि वो कह रहा है जी वेल्स भी फ्रेटर्निटी, खानदान का इदारा मुस्तहकम। यहां एक नुकता और बयान कर दूं, लीगल लेवल पर बीवी के हुकूक कम है शौहर के ज्यादा, अरिजाल कवामून आलन निसा, सीधी सीधी बात है और हमें डटकर कहना चाहिए, इससे ज्यादा माकूल बात कोई नहीं। किसी इदारे के दो सरबराह बराबर के इख्तियार वाले नहीं हो सकते, लेकिन अखलाकी तौर पर जो मां का हिस्सा है, बाप का हिस्सा उससे एक बटा तीन है। कुरान मजीद में आया है ना, हमलत हो उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुरली वले वालिदैक, उसे उठाए रखा उसकी मां ने, लिहाजा उसका हक तीन गुना ज्यादा है बाप से। एक सहाबी हुजूर से पूछते हैं, हुजूर मेरे हुस्न सुलूक का अवलीन मुस्ताहिक कौन है? फरमाया तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? फिर कहा तुम्हारी वालदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? फिर कहा तुम्हारी वालदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? तो कहा तुम्हारे वालिद। तीन दर्जे। और ये जो फरमाया अल जन्नत तो तहत अक्दामिल उम्महात, जन्नत तो माओ के कदमों तले है, ये बाप के बारे में तो नहीं फरमाया। ये है इक्वेशन, बैलेंस। इस्लाम किस्त की बात करता है, इंसाफ की बात नहीं करता। इंसाफ तो यह कि आधी रोटी इधर दे दो, आधी इधर दे दो, इंसाफ है, यह अच्छी चीज है। ये किस्त यह है कि बोझ उठाना है तो जो ज्यादा कवि है उसको ज्यादा बोझ दो उठाए, और जो कमजोर है उसे कम बोझ दो। यह किस्त है। तो इस्लाम ने औरतों पर जिम्मेदारियां कम रखी, उनके इख्तियारात कम रखे, लेकिन औलाद पर हक मां का तीन दर्जे फाइक रखा।